नमस्कार दोस्तों, इस समय की एक और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है वो हो सकता है कि डीएलएड और बीएड कैंडिडेट्स का एक साथ बने मेरिट। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से 5 क्लास के लिए अगर सीट होल्ड किया जाएगा तो सिंपल सी बात है, बच्चों का नुकसान होगा और आपकी जो कट ऑफ वो हाई जा सकती है। ठीक है, जो आप देखिए, पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई वर्ग 9 से 12 की भर्तियों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्त, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है ट्विटर के माध्यम से। अभी ये ऑफिशियल ट्वीट भी हम आपके सामने रखेंगे लाइव। उसके बाद दोस्त अतुल प्रसाद जी का क्या बयान आता है वो भी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं पहले पासिंग मार्क, जरा इसको ध्यान दीजिए। देखिए इस पासिंग मार्क को कम किया जाएगा कि नहीं, एक और यहाँ पर सवाल है। नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है, जो फीमेल कैंडिडेट्स की सीट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी इसको मेल को दिया जा सकता है, मतलब पुरुष वर्ग में। जैसे मान लेते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी में जो सीटें हैं इसके लिए जो पासिंग मार्क रखा गया वो 38.4 नंबर है। अगर किसी महिला उम्मीदवार के 37 नंबर आते हैं या तो कट ऑफ कम करके उनको नौकरी दे दी जाए, या दोस्तों दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उनको जगह पुरुष वर्ग को नौकरी दे दी जाए। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में महिला में 6,412 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति महिला में 435 सीटें हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना। एक और अपडेट सामने आ रही है कि दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो अपना लॉगिन करके बीपीएससी को ऑफिशियल लॉगिन करके ये चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। वहां एडिट का ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बीपीएससी टीचर एग्जाम में जिन अभ्यर्थियों को डाउट है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है कि नहीं, वे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी मतलब अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। नोट, केवल चेक कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। तो काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है यार कि जल्दबाजी में हमने फॉर्म भरते समय कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया, तो उनके पास अभी एक विकल्प है। बीएड रिजल्ट पर दोस्त यहाँ पर रोक लगा दी गई है, लेकिन देखिए जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता और देखिए एनसीटी की कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती है, ठीक है, तब तक ये दोस्तों मामला चलता रहेगा। देखिए एक बात आपको बता दें, अगर बीएड के साथ फाइनल कट ऑफ को जारी किया जाता, मतलब बीएड के छात्रों को तो भाई नौकरी तो नहीं देंगे ये फिलहाल, ठीक है, उनकी सीट को होल्ड कर दिया जाएगा। मान लेते 25,000 सीटें होल्ड कर दें, 20,000 सीटें होल्ड कर दें, तो उससे होगा क्या, डीएलएड छात्रों की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है, वो थोड़ी हाई चली जाएगी। मतलब जो अभी बच्चे 40 नंबर पा रहे थे नौकरी पाने का सपना 40 नंबर में, तो उनका सपना भी थोड़ी दिन के लिए अधूरा रह सकता है, क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स जब तक मतलब उनके साथ मेरिट रहेगी तब तक आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, क्योंकि उनकी संख्या भी 3,90,000 है, उनकी संख्या तो कम है नहीं, और 3,80,000 डीएलएड छात्रों की संख्या है, तो मतलब दोनों बच्चों को जोड़कर एक फाइनल कट ऑफ अगर तैयार किया जाएगा तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। ये दोस्तों देखिए जो आपके सामने ये आपकी कट ऑफ रखी गई है कि जो सीटें अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ पर समझिए पहले, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में 16,040 सीटें फीमेल में, मेल में 15,947। अगर दोस्त इसमें सिर्फ डीएलएड बच्चों को रखा जाए तो कट ऑफ कम हो जाएगी, अगर इनके साथ साथ बीएड कैंडिडेट को जोड़ दिया जाए तब आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है, तो लगभग एक महीने की सैलरी आपकी 40,000 से भी ज्यादा है। अब बताइए बीएड कैंडिडेट के साथ रिजल्ट, ठीक है, होल्ड करना सीटें ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन जो किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या अपडेट आ रही है, उसको भी आपके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बीपीएससी टीआरई वर्ग 9 से 12 वर्ग की भर्तियों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल ट्वीट है, अब आपके सामने बैक करके भी दिखा देते हैं लाइव ये, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि भैया कोई एडिटिंग है ऐसा कुछ है। एक और दोस्तों देखिए अतुल प्रसाद जी का कुछ क्या है, कुछ नई अपडेट आई? जी नहीं, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आएगी, ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें चल रही है। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जल्द ही हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एक एक सीट पर आप लोग नजर बनाए रखिए कि क्या होने वाला है। अब दोस्तों जो फाइनल किया जा रहा है, मतलब ये मान के चलिए अगर बीएड कैंडिडेट के साथ अगर रिजल्ट घोषित किया जाता है, मतलब उनके लिए सीटें रिजर्व करके तब आपकी फाइनल कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, जिसका कोई अभी मतलब नजर नहीं आ रहा, जानबूझकर मतलब कुछ सीटों पर वैकेंसी फंसाने का मतलब इनका लग रहा मन चल रहा है कि जानबूझकर सभी बच्चों को नौकरी ना देना पड़े, इसलिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर 20,000 सीटें भी होल्ड कर देते तो भैया सरकार का अच्छा खासा पैसा भी तो बचेगा, जो 40,000 सैलरी देनी है वो कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यूपी में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में यही हुआ था,
मामला छोटा सा था, चला गया कोर्ट में, 1-1.5 साल तक बच्चे भटकते रहे, उसके बाद जाकर नियुक्ति पत्र मिलता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों लग रहा है बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि कुछ बच्चों को नौकरी देकर मतलब अपनी तारीफ करवा ली जाए कि हमने एक बड़ी वैकेंसी दी। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या होना है, ठीक है, तो डीएलएड के बच्चे अवमानना का भी मतलब बात करें कि भैया सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान ले रही है, ठीक है ना। तो अगर सरकार को इतनी ही बीएड से हमदर्दी है तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि बीएड को छात्रों को ही नौकरी दे दें, ठीक है, मतलब टोटल 79943 पदों पर भर दिया जाए। उसके बाद जो एनसीटी की कोई गाइडलाइंस है तो जो बच्चे योग्य हो चाहे डीएलएड के हो तो उनको रख लिया जाए, बीएड को तो उनको भी रहने दिया जाए, ठीक है। इन सब के बीच दोस्त एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है बिहार में ही, वो भी अपडेट हम आपके सामने रख दें। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये दोस्तों वैकेंसी होगी क्लास 6 से 8 के लिए, ठीक है, जहां पर दोस्तों डीएलएड के बच्चों को भी मौका मिलेगा, बीएड के भी बच्चों को मौका मिलेगा। एक बड़ी वैकेंसी बीएड छात्रों के लिए हम कह सकते हैं बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर भी दोस्तों बीएड छात्रों को मौका मिलेगा, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक की वैकेंसी में भी, मतलब ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर जरूर किया गया लेकिन अभी बड़ी वैकेंसी उनके लिए आ रही, लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी होगी। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अगले महीने आएंगी, ठीक है, नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित कर देगा, ठीक है, मतलब नवंबर में ही एग्जाम होगा, ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, सितंबर महीना चल रहा है, अब तैयारी में लग जाइएगा, शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर उतना आसान आएगा नहीं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जब प्राथमिक लेवल का पेपर इस लेवल का बना दिए 1 से 5 के लिए, तो सोचिए बीपीएससी जब 6 से 8 लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करेगी तो किस लेवल के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी अपडेट्स थी वो हमने आपके सामने रख दिया कि हो सकता है कि अगर प्राथमिक में भी महिलाओं की सीटें खाली जाती हैं तो उनके जगह दोस्तों पुरुषों को नौकरी मिल सकती है, ठीक है, जहां पर भी आपको फायदा देके मौका मिले वो हमें करना है। दीपावली तक उम्मीद करते हैं नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि जब लास्ट वैकेंसी कंप्लीट होती है तब एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। ये बात तो क्लियर है, 9 से 12 तक की वैकेंसी क्लियर कर दिया जाएगा, खाली प्राथमिक वाली फंसेगी। प्राथमिक में भी डीएलएड के कुछ बच्चों को नौकरी दे दिया जाएगा, अगर ये बीएड के साथ फाइनल कट ऑफ बना रहे तो फिर ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों को नौकरी देंगे, कैसे क्या करेंगे। बैठक समाप्त, अंतिम फैसला दोस्तों कल कुछ खास नहीं निकल कर आया कि कुछ बहुत बड़ा फैसला हो गया हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही नहीं क्लियर कर पाए कि भैया बीएड कैंडिडेट्स को नौकरी देना है कि नहीं देना है। अगर दोस्तों कुछ बैठक में क्लियर हुआ होता तो ये कह देते कि हम सिर्फ डीएलएड बच्चों को रिजल्ट घोषित करेंगे और 79943 सभी पदों पर, ये नहीं कि कुछ सीटें रिजर्व करेंगे, या दोस्तों इनको ये कह देना चाहिए कि चलो हम डीएलएड के साथ साथ बीएड का भी रिजल्ट साथ में घोषित करेंगे, नौकरी देंगे, बाद में अगर कोर्ट का फैसला कुछ और आता है तो बीएड कैंडिडेट्स को हम बाहर करेंगे। कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा, बस यही किया जा रहा है कि कुछ ही पदों पर वैकेंसी दी जाएगी, मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सभी पदों को नहीं भरा जाएगा, ठीक है, और डीएलएड करने वाले छात्रों का संघर्ष लगातार जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो के अंत में दोस्तों अगर आप लोग को लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई गलती कर दी है तो अपना डैशबोर्ड जाके लॉग इन करके एक बार चेक कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों देखते हैं कि क्या बीएड और डीएलएड की मेरिट एक साथ बनती है कि नहीं। और जो यहाँ पर एक वैकेंसी थी कि महिलाओं की सीटों को अगर खाली रहती है तो पुरुष को दिया जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पासिंग मार्क दोस्तों क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रख रखा है, 38 से कम नंबर पर नौकरी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सरकार को फिर कट ऑफ में बदलाव करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।